अरे पतंग को देख, पतंग को ऊपर देख। हाँ हाँ खींच। देखिए हमारे पास कितनी ढेर सारी पतंगें आपको दिख रही हैं, बहुत सारी पतंगें। जी हाँ, ये पतंगें सारी हमने लूटी हुई हैं और खुद ब खुद आई हुई हैं। ये हमने कोई खरीदी हुई नहीं है, ना ही हमने इनके ऊपर कोई धावा बोला है। बिल्कुल ये ऑटोमेटिक आई हुई हैं। और ये देखेंगे आप कि इसमें आपको एक प्रॉब्लम सा दिखेगा। देखिए ये पतंग ऐसी है, देखिए इसको भी हम रिपेयर करेंगे। प्लस इसमें एक माइनस चीज़ ये है, देखिए इसकी कन्नी जो है, कन्ने ये मांझे से बने हैं। और मांझा भी कौन सा है, चाइनीज़ मांझा है। बिल्कुल चाइनीज़ मांझे से बने हुए हैं जो हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज आप जानते हैं काफ़ी समय से चाइनीज़ मांझा जो है काफ़ी सारों को नुकसान कर रहा है। जहाँ पे अगर गिरता है वहाँ अगर कोई टू व्हीलर वाला, साइकिल वाला कोई भी अगर जाता है तेज़ी से तो उसके गले में फंस जाता है, या कहीं ना कहीं से किसी न किसी को चोट पहुँचा देता है, हाथ काट देता है। और ये इतना मजबूत होता है कि ये टूटता भी नहीं जल्दी। अपना इंडियन मांझा जो है वो एटो, उसमें एक ख़ास बात ये है, बरेली के होते हैं ज़्यादातर मांझे, और भी जगह के हैं, काफ़ी जगहों के मांझे आते हैं। तो उसमें ये बात है कि अगर वो आदमी से लपट जाता है, उसके ऊपर गिर जाता है, तो वो ऑटोमेटिक टूट जाता है। उसमें इतनी इतनी शक्ति, इतनी मजबूती नहीं होती। लेकिन इसमें इसमें तो हम 10 मछली को एक साथ पकड़ के खींच लेंगे, इतनी मजबूती होती। चलिए तो आप ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल चाइनीज़ मांझा यूज़ ना कीजिए, वो बहुत घातक होता है, बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आप इंडियन मांझा यूज़ कीजिए, और काफ़ी सारी काफ़ी क्वालिटी के मांझे हैं। और आप ये चाइनीज़ मांझा निकाल रहे हैं, देखिए कोई भी चीज़ आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करो, बहुत फ़ायदा आता है उसमें, बहुत फ़ायदा होता है। जी हाँ, देखिए हमने कन्नी डाल दी है, किसी में सिंगल डाली, किसी में डबल डाली है, कुछ पहले की थी। देखिए अभी हमें जो पतंग कंटिन्यू करनी है, एक मेन पतंग हमारी आसमान पे रहेगी, उससे लगातार सब मिलके आगे चलती रहेंगी। तो हमें देखिए, हमने नॉर्मल जो हम कन्नी डालते हैं सेम वैसी डालनी है। उसके बाद एक इतना डोरा ले लें आप, इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा डोरा लेके आप उल्टी साइड से डालें आप, एक यहाँ, फिर इसको इस तरह करें सीधा, फिर ये देखिए वापस, ये जो सेम कमान है इसी को हमें बांधना है। देखिए पतंग कितनी अच्छी लग रही, यस, इसी बाइक इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, वाह। चलिए देखिए ये हमारी तैयार होगी उल्टी साइड से। हाँ, जो हमारी जो कंटिन्यू डोरी होगी वो यहाँ से होगी, ये साइड से कंटिन्यू। हाँ जी, ये देखिए आज गर्ल्स का दिन है।
आज गर्ल्स का दिन है, देखिए कितनी पतंगे एक साथ में, एक कौन उड़ा रहा है, देखिए वाह वेरी नाइस, देखिए हाँ बराबर, हाँ देखिए ये पतंग को हमने इस तरह से डिजाइन किया, इस तरह से काटा और इस तरह से कन्नी बांधी है कि एक साथ में इतनी पतंगे हम उड़ा रहे हैं। ये देखिए छोटी लड़की, देखिए कितनी पतंगे हैं और बिलीव कौन उड़ा रहा है इसे, यस यस एक छोटी गर्ल्स, देखिए और भी ऐसे इससे आके छोटे छोटे लोग आएंगे, देखिए कैसे कैसे उड़ा रहे हैं, यस ओ वाओ वेरी नाइस, वो अरे पतंग को देख, पतंग को ऊपर देख, हाँ हाँ खींच थोड़ा सा खींच, हाथ हाथ ऐसे कर, हाँ कर ऐसे हाथ, हाँ खींच कर 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 कर, खींच खींच, हाँ खींच 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 खींच, जी हाँ आज आपने देखा ये कार्यक्रम गर्ल्स स्पेशल था, आपने देखा हमने किस तरह से कन्नी बांधी, पतंग एक दूसरे के साथ अटैच किए, बच्चों ने कितना इन्जॉय किया, हमें भी मज़ा आया, ऑफ कोर्स आपको भी मज़ा आया हो, तो हम जल्द मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, थैंक यू, शुक्रिया, शब खैर।